अच्छा लिपिका को मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद था, तो वहाँ से शायद ट्यूनिंग स्टार्ट हुई, थोड़ा बकर जो मैंने स्टार्ट करी वहाँ से हुआ, और वो कभी मतलब वो ना यू नो दैट नेवर एंड्स, दैट स्टिल कीप ऑन गोइंग ऑन. वहीं से इट ऑल स्टार्टेड, मिलना शुरू किया स्टार्टिंग में. दिमाग में तभी तो ऐसा नहीं कुछ भी था कि कुछ क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं अपने दोस्त को बताता था यार ये एक लड़की है जिससे मैं मिला हूँ. और फिर मैंने सोचा कि यार अगर जो फोकस जीवनसाथी.com और mangal.com की तरफ किया हुआ था, उस फोकस को हटा के इस तरफ अगर लाया जाए किसी और डायरेक्शन में, तो कैसा पॉसिबल होगा, ये कैसा अगर सोचा जाए. एज अ फ्रेंड के तौर पे ही मैं उसे सजेशन देती थी, मेरे सामने ही लड़कियां देखने जाता था. shaadi.com वो बार बार रिजेक्ट करता रहता था लड़की को. हाँ, लड़की को जाके मिलता था, मना कर देता था, और चाहे वो अच्छी भी हो उसके, और पापा को कंप्लेन करता था. तो उसने मुझे फ़ोन पे बताया कि क्या कहते हैं, एक लड़की है, अब पता नहीं मम्मी पापा कैसे करेंगे रिएक्ट, बट एक लड़की है ऐसे करके, वो परफेक्ट है बिल्कुल हमारे घर की. अपने लेवल पे मैं अगर देखूँगी तो सबसे ज़्यादा आलोक ने ही मतलब हमारे रिलेशन को यहाँ तक पहुँचने में किया. मैंने बस ये किया कि हार्श स्टेप जो भी लेना था मैं बस उसके साथ खड़ी रही, दैट्स इट. ना मैं मजनू ना मैं रांझा ना उलझा मैं विच जाता तेरे दर ते बैठावा. घर वाले भी थोड़ा परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने गिव अप काइंड ऑफ कर दिया था. उन्होंने कहा यार ये तो ऐसा नहीं है, काइंड ऑफ वही डिस्कशंस, टिपिकल डिस्कशंस जो होते हैं एक अरेंज मैरिज में किया. तो मैंने इससे पूछने से पहले मैंने थोड़ा घर में फील्डिंग सेट करी, पहले दोनों सिस्टर को बताया. तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि यार देख एवरीथिंग लुक सॉर्टेड, और अब देख ले तू यार तेरी उम्र भी हो चुकी है, और अब ऐसा नहीं है कि और बहुत ऑप्शंस हमारे पास पड़े हुए हों, तो चाहे क्रैश कोर्स करना पड़े या कुछ करना पड़े, शादी सही होनी है. ठीक है, फिर उसने मुझे बताया कि यार एक लड़की है, तो वो ना पता नहीं है मम्मी अब तैयार होंगे कि नहीं, बट शी इज़ बंगाली एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, शी इज़ परफेक्ट फॉर आर फैमिली बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द काइंड ऑफ बैकग्राउंड विच वी आर फ्रॉम. तो फिर मैंने बोला कि फिर क्या प्रॉब्लम है, तो कहता कि यार पता नहीं मम्मी अब तैयार होंगे कि नहीं. फिर आलोक ने काफ़ी टाइम तक फॉलो किया व्हाट्सएप पे, मैंने रिप्लाई नहीं किया था, कहा चलो ठीक है, एक स्माइली एंड ऑल भेज के. फिर उसने सडनली ऑल ऑफ सडन उसने मुझे टेक्स्ट किया, अरे मैं आपको बॉदर्ड कर रहा हूँ क्या एंड ऑल. तो एंड मैं थोड़ा सा उस टाइम पे बिजी भी थी, तो मैंने मुझे लगा कि नहीं मैं शायद थोड़ा ज़्यादा हार्श हो रही हूँ, तो मैंने बाहर निकल ऑफिस में ही दी एंड देन अलग से जाके मैंने उससे बात की. एंड वो फर्स्ट उससे मेरी प्रॉपर वे में बातचीत थी. कहते तूने जन्मपत्री ली उससे? मैंने कहा नहीं जन्मपत्री नहीं ली मैंने, उसका टाइम मुझे थोड़ा सा याद था. मैंने कहा भाई थोड़ा क्या होता है, वो तो एग्जैक्ट होता है, तू पता करना पूछ उससे. तो मैंने इससे बोला, मैंने कहा जरा मुझे जरा दो दिन मुझे जरा कुछ डिटेल्स निकालनी है, कुछ ऐसा समथिंग नहीं था, मैंने ऐसे दिया दो मतलब फालतू का बहाना दिया इससे ली. मैंने भेज दी मम्मी को, तो मम्मी का दो या तीन दिन तक फ़ोन नहीं आया. मैंने कहा यार अगर नहीं मैच किया होता तो एक मिनट में आया था कि भाई नहीं कर रहा है, फोकस चेंज करो. बाई चांस मैंने कहा तीसरे दिन मैंने फ़ोन करा, मैंने घर में फ़ोन करा, मैंने कहा भाई क्या हुआ, वो आपको भेजा था मैंने मम्मी. तो
उस वक्त तक मम्मी चौथे पंडित पे जा चुकी थी, मतलब तीन पंडितों ने हाँ बोल दिया था और चौथे पे फाइनल कंफर्मेशन के लिए भेजा हुआ था। तो चौथे को भेजा, उसका भी रिस्पॉन्स आया कि नहीं यार ठीक चीज़ें हैं, लेकिन गुड मैच कर रहे हैं एंड ऑल एवरीथिंग, थिंग्स आर सॉर्टेड। तो मैंने कहा अरे तो तब सही दिखा मैंने कहा अब सही है, तो मैंने अब लिपिका को अप्रोच किया। फिर ऑल ऑफ सडन उसने मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किया। मेरे लिए भी बहुत इजी नहीं था, क्वालिटीज उसकी कुछ कुछ मुझे, मतलब मैंने जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मैंने अपनी फ्रेंड, मतलब फ्रेंड सोल में सिस्टर जो भी कह लीजिए, अपर्णा, मैंने आलोक की हर एक चीज़, मैंने फिर मुझे लगा कि शायद मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, तो मैंने अपनी हर चीज़ अपर्णा से पूछनी स्टार्ट की कि क्या सही है क्या नहीं। फिर शायद आलोक एक बार मेरे मुझसे मिलने आया ऑफिस, तो पहली बार इसने आलोक से मिलवाया, इसने बताया नहीं फ्रेंड है बस ऐसा कह के, और मैं भी मिली, मैं पहली बार खाना भी इनफैक्ट लेके गई, आलोक ने बड़े अच्छे से खाया। मेरे लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक तो इंसान का इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात उसका विल पावर, कोई भी रिलेशनशिप निभाने के लिए। आलोक में दोनों चीज़ें थी। पहली बार जब मैं मिली, मुझे लगा इस बंदे की विल पावर कितनी होगी कि ऑफिस तक आया स्पेशली, और यहाँ पे हम लोग बिजी थे उस दिन, काफ़ी बिजी थे, वी वर ओनली ड्यूटी ऑफिसर्स ऑन फ्लोर, तो मैं अकेली फ्लोर पे, और लिपिका को मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है तुम जाओ मिल के आओ, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद लिपिका फ़ोन करती है कि अब थोड़ी देर के लिए जल्दी से आ, मैं फ्लोर छोड़ के और जल्दी से आई, अगला इंसान उसको कहीं जगह नहीं मिली, वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ था ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार था। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, डाउन टू अर्थ इंसान, और इसकी विल पावर है लड़की से शादी करने की। मैंने जब जब देखा कि ठीक है ये बात करती है, ये खुश रहती है, इसको अच्छा लगता है बात करके, तो मुझे लगा लिपि देख ले चांस ले ले। हालांकि देख, मैं सब कुछ तो मैं कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है, अंदर से इंट्यूशन आता है कि तू खुश रहेगी और तुझे खुश रखेगा। अपर्णा ने ओके कर दिया, तो फिर बाद में फिर मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, एक दूसरे की कमियाँ, एक दूसरे की अच्छाइयाँ, मतलब
जो मैं समझती हूँ कि अगर उसमें कोई कमी है तो उसको मैं फुलफिल कर दूंगी, अगर मेरे अंदर कुछ है तो वो वहाँ पे सपोर्ट करेगा। लिपिका, ये लिपि, और वो कब लिपि बन गई मुझे भी नहीं पता चला, मतलब लिपिका से लिपि, मतलब एकदम लिपिका लिपिका लिपिका, तो मुझे लगता था समबडी कांट बी सो गुड, तो मुझे लगता था इतना अच्छा कोई नहीं हो सकता। फिर फाइनली मैं इससे मिली तो मैंने अपनी बहन को ही बोला, मैंने कहा यार वो बहुत अच्छी है तो कह रही पागल इतना अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैंने कहा यार वो है तो बस वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग ईच अदर मोर, बट आई एम श्योर इट विल बी अ वेरी हैप्पी। ওয়ার্ল্ডের সব থেকে বেস্ট শ্বশুর বাড়ি আমি পেয়েছি, ঠিক আছে, সচিয়া মোহব্বত হবে।